thought I met you at the wrong time. Then you caught me on that one night. Girl, I wanna know how this thing get out of my controls. Zip line into your timeline. Hey, that body don't lie. I didn't care for the hype, yeah. But when I saw you tonight. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें। अच्छा तो फ्रेंड्स, आज हम सब दोस्त जो है ना वो जा रहे हैं एक जगह पे घूमने। आज हम पहाड़ी इलाके की तरफ जा रहे हैं। हमारा कन्फर्म नहीं है कि हमने कहाँ कहाँ जाना है। आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठंडा ठंडा मौसम है, सर्दियों का स्टार्ट हो रहा है, गर्मियाँ ख़त्म हो रही हैं। मैंने आपको बताया नहीं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हम अपने सिटी फाजलपुर से पहले जा रहे हैं हाजीपुर की तरफ। हाजीपुर से हम जाएंगे लुंडी सदान। लुंडी सदान से आगे जो है ना वो फिर पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता है। अच्छा तो फ्रेंड्स, हाजीपुर शहर हम पहुंच गए हैं। अभी हम जहाँ पे हमने जाना है, तकरीबन हमने काफ़ी सारा सफ़र कर लिया है। आप देख सकते हैं दूर दूर आपको कहीं भी कोई घर नहीं नज़र आ रहा होगा। बहुत ही गैरवाद इलाका है। अच्छा तो सुनाओ यासर, आपने फिर अपने कुछ दोस्त भी बनाए हैं नए वहाँ पे। जी, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं। अच्छा, बिजनेस के मामले में भी है, क्रिकेट के मामले में भी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी अब लगी हुई है यासर के साथ रेस। यासर, आपको याद है कि एक बार आपके बाइक के साथ मैंने रेस लगाई थी और बाइक का काम हो गया था। जी जी, मुझे पता है, उसका इंजन भी खत्म हो गया था। इंजन भी खत्म हो गया था। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। अच्छा तो फ्रेंड्स, आपने जाना था, रास्ता हम भूल गए थे, बातों में पता ही नहीं चला। तो अभी हमने एक बंदे से पूछ लिया है रास्ता, तो वापस अब दोबारा जा रहे हैं। तो हम बहुत ज़्यादा ही भूल गए थे। इस तरफ से हम आए थे और हम इस तरफ सीधा चले गए थे लुंडी सदान की तरफ ना। तो हमने जाना था हमजा सुल्तान। हमजा सुल्तान का ये रास्ता है। तो ये आप देख सकते हैं कि दरबार हमजा सुल्तान का बोर्ड भी लगा हुआ है। बस बातों में ना हमें पता नहीं चला। अभी ना वो टाइम हो रहा है, 1:35 हो रहे हैं। तो अल्लाह करेगा हम सुबह की नमाज में पहुँच जाएँगे। बहुत ही खूबसूरत रोड बनी हुई है। इस तरह की रोड पे बाइक ड्राइव करने का अपना ही मजा है यार। ये पछड़ा काफी प्यारा लग रहा है। अच्छा तो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम लग गया हमें दरबार ढूंढने में और अल्लाह का शुक्र है कि हम दरबार पे जो है वो पहुंच गए हैं। पहले हमने सोचा कि सबसे पहले पानी पी लें। पानी पीने की बहुत ही अच्छी जगह है। पानी ठंडा लग रहा है यार, प्यास भी काफ़ी लगी हुई है। पानी कहाँ से भर के लाते हैं यार ये लोग, पता नहीं। साथ साथ कोई होगा मीठा पानी। अच्छा, अभी हमने यहाँ से पहाड़ की तरफ जाना है सीधा। पहले भी आप लोगों ने रोड देख ली थी, लेकिन आप भी देख लें। लेकिन उस रोड की नस्बत आप ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये बाइक चलाने का तो अपना ही मज़ा है यहाँ पे ना। फ्रेंड्स, ये रोड तो नहीं है, बस एक शॉर्टकट है। अभी हमें पता नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं। देखो फिर क्या बनता है। बुला भी लंबे थे मेरा नहीं ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, मेहरबानी। तीन भूल गए थे कि लुंडी सदान कौन सा रास्ता जाएगा। मेरे गिननी कैसा आराम से चलाओ, आराम से। ये कैसे ये जदीद मशीन है बोर करने के लिए ना। और ये जो पैप है ना बड़े बड़े, ये प्लास्टिक के पैप इधर डालेंगे और ये सोलर प्लेटों वाला ही इधर वो लगाएंगे ना सिस्टम। चप्पल यार, ये बहुत ही खूबसूरत पंप। ये लविंग नेशन है पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान का परचम और इस तरह की सारी चीज़ें बनाई हैं। ये सिटिंग एरिया भी बहुत खूबसूरत है यार।
यार ये घर कितना खूबसूरत बना हुआ है यार, बिल्कुल जैसे किला नहीं बना हुआ होता वैसे है ना, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। वो चश्मे गरम ठंडा पानी वाला रस्ता था गुनी ओ ढेर सारा वो तो कम से कम मगरब जो इलाका है खूबसूरत हुए खूबसूरत है वाला मोटरसाइकिल माशाल्लाह चंगे। अच्छा तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यार अल्लाह की कुदरत है कि किस तरह पहाड़ जो है ना एक तरतीब के साथ ऊपर की तरफ, और ये अगर आप देखें ये ऊपर की तरफ इस तरह बने हुए पहाड़। अच्छा तो फ्रेंड्स ये चीज़ जो है ना कमाल है यार, हम पहले भी यहाँ पे एक दो बार आए हुए हैं लेकिन यहाँ पे मज़ा अलग है यार आने का ना। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल स्टार्ट है, आप देख सकते हैं पीछे कितनी ऊँचाई है। तो जब भी बंदा माड़ी आता है ना तो ये जो पॉइंट है जब ये चढ़ाई ऊपर चढ़ता है और जब नीचे उतरता है ना तो बड़ा ही ख़तरनाक सीन लगता है, क्योंकि मैं जब पहली बार आया था मेरे साथ ऐसा हुआ था। अभी आप देख सकते हैं कौन से गियर में है जुनेद बताओ यार, ये दूसरे गियर में है, दूसरे गियर में है, कहीं कहीं हमें पहला गियर भी लगाना पड़ जाता है बाइक का ना। अच्छा यार जुनेद वो सामने जिस तरह वो बादल हैं या क्या चक्कर है, धुंध है जिस तरह, धुंध है जिस तरह लग रहा है मेरे ख्याल में ना ऊपर धुंध है, सर्दी बहुत है ऊपर। वैसे भाई यहाँ बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, पुरसकून जगह है, ये देखे कहीं से शोर भी नहीं आ रहा, मतलब शहर की नहीं सिटी की नहीं बात है, यहाँ बहुत ज्यादा मजा आता है, वहाँ इतना शोर होता है तो वहाँ जहनी सुकून भी नहीं मिलता, थकान महसूस कर सकते हैं। बस अभी चलते हैं, अभी तो असर का टाइम भी होने वाला है मेरे ख्याल में, हो गया होगा तो नमाज भी पढ़नी है। यहाँ से वो जो दरख्त है वो सामने जो नजर आ रहा है कितना घंटे में पहुँच जाएंगे, वो सामने जो दरख्त नजर आ रहा है आधे घंटे में, अगर आधे घंटे में वहाँ पहुँच सकते हैं तो मैं आपको न्यू होंडा सिटी ला के दूंगा, जाओ होंडा बाइक भी नहीं सिटी, हाँ घंटे में पहुँच जाओ तो। हाँ घंटे में लगा लो, क्या लगाते हो? वहाँ नहीं पहुँच सकता, खाना लगा यार, खाना खिलाएगा जी बाबा जी रेस्टोरेंट पे, जो मर्जी आप ऑर्डर कर देना मैं खिलाऊंगा यार। मैं तो उठे तू जस्ट हम ए तक चल से ना। अच्छा एक मिनट, तू बह से मटन में खबे सी तू शुरू कर ना जरा, वो तक वहां जा पता दो किलो मटन जितना खा सके, अगर ना चढ़ सके भला। अच्छा तो फ्रेंड्स आपने इंसाफ करना है, अभी ये इन दोनों बंदों ने आपस में शर्त लगाई है तेरा विलाग पड़वाना मैं इतना कर यार, बात तो पूरी करने दो, बात तो पूरी करने दो, इन दोनों की शर्त लगी है दो दो किलो मटन लगा है आप जाएगा वो जो सामने दरख्त है ना वहाँ तक पूरी करना, जूती का मसला करना, जूती पूरी करना, कौन जितना चढ़ सके ना चार। अच्छा तो फ्रेंड्स आज बहुत ही मजा आने वाला है, गाइस आप देख सकते हैं जो हार मानेगा वो मटन खिलाएगा, डन हो गया, 3 किलो डन हो गया, 6 किलो ओए 6 किलो नहीं, 6 किलो वाले नहीं है तो आपका जिम्मेवार कौन है? ये गाय जिम्मेवार है भाई, यूट्यूब ये देख रहे ठीक है, सारा फाजलपुर देख रहा है इतना ऊंचे पहाड़ में दे घंटा सब ये में लग गई थी, क्यों घंटा में? हाँ जुनेद जा रहे हो यार वाकई? हाँ वाकई, क्या करने जा रहे हो? मटन खाने। ओए जवाब तो दो हमें, आज नहीं आ रही आपको? आ रही आ रही है, नजर भी नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ है दरख्त। जी जी महताब कहाँ हो यार, कैसे हार गया है? ओ यार जो हारेगा वो मटन खिलाएगा। नहीं ये तो नहीं शर्त लगी थी कि जो हारेगा उसने कहा मैं चढ़ूंगा, और जो इसकी तो आवाज नहीं निकल रही निकल रही है, नहीं निकल रही, इसको वो बोले ऊपर चढ़ो, मैं तो चढ़ूंगा वो चढ़ेगा ना, रिकॉर्डिंग में था जो नहीं चढ़ेगा वो नहीं की बात नहीं थी, 1 घंटे का टाइम था इसके पास ना, ये नहीं चल रहा, मैं उसको छोड़ो वो तो वैसे ही गया था साथ, मैं तो वैसे गया था, रिकॉर्ड में भी है। आप इसके साथ हो रहा है तू? यही ना आप उसे यहाँ से पूछ लो, यहाँ से लो, मेरे घोड़े में दर्द पै गया था, घोड़े में दर्द पै गया। यासिर भाई आप भी सुन रहे थे, अवैस भाई भी सुन रहा था, तो मैंने क्या कहा था,
मैंने कहा मैं नहीं चढ़ सकता हूँ, एक घंटे का इसको टाइम दिया था मैंने। इधर ही ठहर के बात करो यार, जो भी करनी है फैसला कर लो यहाँ पे। आपके मोबाइल में रिकॉर्डिंग है कि जुनेद इसके साथ वैसे ही गया। वैसे इसने कहा था कि आप जितना तक चढ़, कहा था कि चलो मेरे साथ चलो तुम भी आओ। हाँ ओह माय गॉड, ऐना की यार नहीं यार, मच्छर ने उन्हें ढेर भी ले यार। मैं अपनी ऐनक लेने जा रहा हूँ यार, मुझे अपनी ऐनक मिली है यार। ये आपको पता है कहाँ टूटी है? पता है आपको? वहाँ ये गिरा है। हाँ वहाँ यार, यार बहुत ही, मैं तो एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे पहाड़ों से ना एक ऐनक मिल गई है। मैं इसको लगा लूँ यहाँ पे ना, ये इसका वो दूसरा वेल्ड करवा लेना यार, इसको पहले यहाँ पे रख लूँ। नहीं नहीं वेल्ड करवाना सईद मुगल की वर्कशॉप से यहाँ। अच्छा तो फ्रेंड्स कैसी ऐनक लग रही है आप मुझे बताएं यार। सर आप बता दो यार, बहुत अच्छी लग रही है। कमाल का सीन है यार, बस हमने रात होने से पहले कोशिश करनी है कि हम घर तक पहुंच जाएं। तो यहां से गाइस अभी हमने वो जो सामने आपको नज़र आ रहा है ना, सामने उस जगह पे हमने जाना है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, वो जो दरख्त है ना वहां पे हमने जाना है। और ये हम रोड देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग जो हम यहाँ पे एंड करने लगे हैं, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। तो आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।